भालोग आज बात करेंगे एगोन्स कॉन्क्वेस्ट की रेस्ट ऑफ द जर्नी के बारे में। जहां पहले पार्ट में हमने एगोन्स लैंडिंग की नींव रखते देखा, जो आगे जाकर किंग्स लैंडिंग बनता है, देन बर्निंग ऑफ हैरन हॉल इवेंट भी कवर किया, देन स्टॉर्मलैंड कॉन्क्वेस्ट इवेंट को भी कवर किया था, आज इससे आगे की जर्नी को पूरा करेंगे। और जो कोई नया बंदा यहाँ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लेना इस सीरीज का, यानी एगोन्स कॉन्क्वेस्ट का, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि जॉन स्नो उर्फ एगोन सिक्स टारगेरियन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें भी करनी है आप लोगों से। तो बाबा लोग बिना टाइम खोटी करे स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्टॉर्मलैंड कॉन्क्वेस्ट, स्टॉर्मलैंड का लॉर्ड और इस बराथियन को बनाने के बाद एगोन द कॉन्करर अपनी जर्नी आगे शुरू करता है, एंड इवेंट सिचुएट होता है सबमिशन ऑफ द क्रैकलो पॉइंट। अच्छा, ये वही क्रैकलो पॉइंट है जिसे एमन टारगेरियन वेगार से जलाकर राख करते नजर आया था हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के 8th एपिसोड में, अगर याद होगा तो आपको। बैक टू द पॉइंट, हैरनहॉल को जलाने के बाद एगोन ने विसेनिया को वेगार सहित यहां भेज दिया था सबमिशन के लिए, और हैरनहॉल की तबाही देखने के बाद यहां के लॉर्ड्स ने अपनी तलवार विसेनिया के चरणों में डाल दी। और तलवार तो वही आयरन थ्रोन बनाने के लिए एगोन स्वॉर्ड भेज दी गई, और यहां के लॉर्ड को प्रॉमिस कराया गया टारगेरियंस का डायरेक्ट सपोर्ट के लिए, क्योंकि उसने बिना आनाकानी करे सबमिट ही कर दिया था। देन उसके बाद इवेंट सिचुएट हुआ था कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्टरलैंड एंड द रीच, एंड ये खासकर बहुत ही जबरदस्त कॉन्क्वेस्ट थी। यहां पर एगोन के किस्से पूरे वेस्टरोस में फैलने लगे, कैसे वो 3 ड्रैगन से तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे, लेकिन वेस्टरलैंड्स के लॉर्ड एंड जो 2 किंग थे इकट्ठे हो चुके थे यहां तक आते आते, जिसमें हाई गार्डन किंग था एंड रीच किंग था, प्लस लैनिस्टर आर्मी थी। तीनों की जॉइंट आर्मी तैयार करके एगोन से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी अलाइड आर्मी, और कहा जाता है कि 55,000 की जॉइंट माइटीएस्ट आर्मी थी इनके पास, जिनमें से कुशल योद्धा 5,000 नाइट थे इनके पास। वो लोग नॉर्थ के लिए मार्च करने लगे एगोन से लड़ने के लिए। एगोन को ये बात जब पता चली तो उसने भी अपनी थकी हुई आर्मी, जो अब तक बहुत थक चुकी थी, नंबर में भी कम हो चुकी थी, अपोनेंट आर्मी यानी अलाइड आर्मी के खिलाफ आगे बढ़ गया लड़ने के लिए, जहां स्टोनी सेफ्ट में उसकी बाकी की 2 बहनें अपने ड्रैगन सहित उसे ज्वाइन कर लेती हैं, जो अलग अलग भेजी गई थी। एक स्टॉर्मलैंड्स को भेजी गई थी, एक क्रैकलो पॉइंट को भेजी गई थी, उन्होंने भी अपने ड्रैगन के साथ ज्वाइन कर लिया, और तीनों ड्रैगन अपनी छोटी आर्मी के साथ ब्लैक वाटर रस के बड़े मैदान पर पहुंच गए, और यहां तक युद्ध हुआ था, जहां हाई गार्डन आर्मी सेंटर से अटैक करती है एगोन पर, देन दाईं तरफ से लैनिस्टर आर्मी अटैक करती है, एंड ऑकहार्ट आर्मी अटैक करती है बाईं तरफ से। एक बार के लिए लगा कि एगोन की आर्मी अब बुरी तरीके से खदेड़ने वाली है इस अलाय आर्मी से, लेकिन हवाई फायर जब हुआ तीनों ड्रैगन की तरफ से तो बाबा चुटकी में ही अलाइड आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसमें हाई गार्डन किंग मारा गया, ऑकहार्ट जो लॉर्ड था वो भी काफ़ी डैमेज हुआ, बहुत नुकसान झेलना पड़ा ऑकहार्ट आर्मी को। लैनिस्टर लॉर्ड भागने की कोशिश करी लेकिन पकड़ा गया, और फिर सब ने घुटने टेके एंड एगोन को पश्चिम का किंग बना दिया गया। देन हाई गार्डन और बाकी के सबमिशन करने के बाद लान को हाई गार्डन का लॉर्ड एंड वेस्ट ऑफ का वार्डन, ऑल्सो लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ मैंडर भी बना दिया गया था। देन वहां से फिर अपना एगोन आगे निकल जाता है। उसके बाद इवेंट सिचुएट होता है सबमिशन ऑफ द नॉर्थ। एगोन का प्लान था कि अब ओल्ड टाउन, आर्बर एंड डॉन पर कब्जा करा जाए, लेकिन तभी खबर मिलती है कि टॉरेन स्टार्क किंग इन द नॉर्थ अपनी 30,000 फाइनेस्ट आर्मी लेकर हमला करने आ रहा है, जो ट्राइडेंट पार कर चुका है। टारगेरियंस ने अपनी आर्मी तुरंत तैयार करी, हालांकि आर्मी छोटी हो गई थी, लेकिन अभी तक आते आते जिन भी लॉर्ड्स को इसने हराया था लाइक रिवरलैंड्स, स्टॉर्मलैंड्स एंड वेस्टरलैंड्स, उन सब की आर्मी को मैदान जंग पर उतार दिया, मतलब छोटी मोटी टुकड़ी जहां जहां से जितने मैन पावर मिले उसने इकट्ठे कर लिए। आर्मी छोटी देख नॉर्थ के लॉर्ड कुछ लॉर्ड अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन टॉरेन स्टार्क के दिमाग पर हैरनहॉल का इवेंट घूम रहा था, और अभी जो वेस्टरलैंड की 55,000 आर्मी के ऊपर कैसे ड्रैगन ने कहर बरपाया था ये भी घूम रहा था। तब टॉरेन स्टार्क ने पीस एंड घुटने टेकने का निर्णय लिया 3 जायंट ड्रैगन को देखकर, जिसमें ब्रैंडन स्नो ने आइडिया भी दिया था कि ड्रैगन को हम रात में सोते वक्त मार सकते हैं, लेकिन टॉरेन स्टार्क ने घुटने टेके एगोन के सामने एंड उन्हें यानी टॉरेन स्टार्क को वार्डन ऑफ नॉर्थ एंड लॉर्ड ऑफ द विंटरफेल बनाकर ये लोग आगे निकल गए, कौन अपना एगोन दी कॉन्करर। देन उसके बाद इवेंट सिचुएट होता है सबमिशन ऑफ वेल। नॉर्थ, वेस्टरलैंड, स्टॉर्मलैंड सभी को घुटने टेकता देख सारा एरिन, रीजेंट क्वीन ऑफ वेल, ने खुद को पहले तो मजबूत किया अपनी मैन पावर से, बाद में दिमाग दौड़ाया कि लड़ने के बाद भी हारना ही है, तो उसने एगोन को मैरिज प्रपोजल भेजा और डिमांड करी उसका बेटा रोनेल एरिन को किंग ऑफ द माउंटेन एंड वेल बनाया जाएगा आगे जाकर, मतलब
वेल का एयर बनाया जाएगा, किंग वही बनेगा, ये वाली बात थी बस। हालांकि एगोन ने मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया और बाकी का ऑफर स्वीकार कर लिया, और ये बड़ा अतरंगी सा सम्मिशन था, क्योंकि कहा जाता है कि रोनल एरिन को विसेनिया ने वेगार में बैठाकर 3 चक्कर लगवाए जाइंट्स लेंस के। देन उसके बाद रोनल एरिन को लॉर्ड ऑफ द आयरी एंड वेल बनाया गया एंड वार्डन ऑफ ईस्ट बना दिया गया, ऐसा ही था कुछ। देन इवेंट सिचुएट होता है बाबा इन्वेजन ऑफ डॉन, और अभी तक जो एगोन के लाइन से आसानी से जो जीतते हुए आ रहा था पूरे घमंड में, कहीं भाई जो आएगा सबको पेल देंगे, और पेलते हुए भी आ रहा था, लेकिन बहुत बड़ी कैजुअलिटी इसे यहाँ झेलनी पड़ी जिसकी इसने कल्पना तक नहीं करी होगी। कहा जाता है कि रैनीज मिराक्सिस ड्रैगन के साथ आर्मी का नेतृत्व कर रही थी डॉन पर इन्वेजन के लिए, और उसने सीधे हाउस मार्टल के महल पर धावा बोल दिया, लेकिन वहाँ उसने सिर्फ औरत और बच्चे ही मिले, वही देखे उसने, जहाँ रैनीज की मुलाकात मेरिया मार्टेल से हुई जो क्वीन रेजेंट थी वहाँ की, मतलब तख्ता संभाल रही थी, और इसकी वार्म कॉन्वर्सेशन उनसे होती है, औरतों में आपस की बातें भाई वही कटाक्ष बातें, जहाँ रैनीज मेरिया एंड डॉन को घुटने टेकने का ऑफर दे रही थी बट वो मना कर देती है और कहती है कि जाके एगोन को बता दो यहाँ कोई किंग नहीं है, यहाँ क्वीन मतलब औरतें राज करती हैं, क्योंकि उस समय कार्यभार जो तख्ते पर बैठी थी वो मेरिया ही कर रही थी, मेरिया ही संभाल रही थी, और हम लोग जलना और मरना पसंद करेंगे उसने ये कहा, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। और बस रैनीज भी धमकी देके डॉन से निकल जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आग और तबाही लेकर आएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम डॉन पर हमला के दौरान रैनीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, स्कॉर्पियन बोल्ट का एरो सीधा निशाना बांध कर मिराक्सिस के माथे पर मारा गया। एट द मोमेंट मिराक्सिस के गिर कर रैनीज भी उसके साथ जो थी वो दोनों मर गए एट द पॉइंट। और यहाँ डॉन में एगोन को बहुत बड़ी कैजुअलिटी झेलनी पड़ी, जो अभी तक बड़े घमंड के नशे में चल रहा था, सभी को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसका जो मतलब जिसको भी मारने का मन कर रहा था बिना संकोच के मार रहा था, लेकिन अपनी ही वाइफ एंड सिस्टर उसके हाथ से खो दी गई यहाँ पर लड़ने के बाद, इस मतलब इस जंग को जीतने के लिए ये खामियाजा यहाँ से इसे भुगतना पड़ा। देन इसी के साथ साथ इवेंट सिचुएट हुआ था सबमिशन ऑफ ओल्ड टाउन, जहाँ हाई टावर्स ने भी इजली घुटने टेक दिए। कहा जाता एगोन को ड्रैगन से उतरता देखते ही लॉर्ड हाईटावर ने सबमिट कर दिया था और खूब ख्याल रखा एगोन, वही चापलूसी वगैरह वगैरह। एंड यहां से एगोन को क्राउनिंग करी गई और बड़े बड़े टाइटल्स दिए गए, लाइक एगोन ऑफ हाउस टारगेरियन, द फर्स्ट ऑफ हिज नेम, किंग ऑफ द एंडल्स, द रॉयनर एंड द फर्स्ट मैन, लॉर्ड ऑफ द सेवन किंगडम एंड प्रोटेक्टर ऑफ द रैल। इसी के साथ साथ आयरन आइलैंड को भी जीता क्या गया, उन्होंने भी सबमिट कर दिया था, एंड विकन ग्रेजॉय को आयरन आइलैंड का न्यू लॉर्ड बना दिया गया था वहां पर। तो बाबा ये थी एगोन द कॉन्करर की फुल कॉन्क्वेस्ट जर्नी, जहां डॉन को तो वो कभी नहीं जीत पाया, हाँ आगे जाकर बाद में समझौता हुआ था डॉन के साथ, लेकिन बहुत टाइम के बाद, और 6 किंगडम का किंग बनकर एगोन रूल करने लगा था, जहां उन सारी तलवारों का आयरन थ्रोन बनवाया गया जो पूरे 6 किंगडम में रियलाइज कराया जाएगा कि ये तलवारें उन हारे हुए लॉर्ड्स की स्टोरी को बताता है जिन्होंने एगोन के सामने घुटने टेके थे, एक तरीके से एगोन की पावर का बखान करेगा ये आयरन थ्रोन। और बस वही था जहां उसने किया कि ओल्ड टाउन या फिर ड्रैगन स्टोन की जगह एगोन्स फोर्ट से मैं पूरे 6 किंगडम पर रूल करूंगा, जो आगे जाकर किंग्स लैंडिंग बनता है। तो बाबा ये टॉपिक होता है फुल कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। अब जो स्टार्टिंग में बोला गया था, वादा कराया गया था जॉन स्नो को लेकर, तो बाबा मुझे ये कहना था कि बुक वाला जॉन स्नो उर्फ एगोन 6 टारगेरियन की लाइफ जर्नी को भी कवर किया जाए क्या, क्योंकि उसकी जर्नी गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉन स्नो से काफी हद तक अलग थी। तो जो भी आपकी राय हो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगती है बाबा, बहुत ज़्यादा। बाकी भाई जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर आपकी क्या राय है, कुछ गलती हुई हो, कुछ छूट गया हो तो उसके लिए अभी से माफ़ी, और क्या छूट गया हो नीचे जरूर बता के जाना। बाकी मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो तुम आप देख लेना जो भी नया हो, जिसे फर्स्ट पार्ट देखना हो एगोन्स कॉन्क्वेस्ट का। वीडियो कैसी लगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।